आओ लाखों की कमाई करो, रोज की लाखों की कमाई ले जाओ, लो ये ले जाओ। अरे के बाल के अंदर लाखों रुपए की कमाई करो, ये देखो। अरे भाई रोज की कमाई करो, रोल ले जाके कटिंग करो, रोल ले जाके बेचो, लाखों रुपए की कमाई ले जाओ, लाखों की कमाई करो। अरे ये लो ले जाओ भैया जी, ये देखो कटिंग का माल, कटिंग का माल जी। सस्ते में ये ले जाओ, ये देखो लाखों रुपए की कमाई। अरे भाई जी ये रेट क्या चल रहा है सब? 250 रुपए किलो कोई सेव करके आएगा, 230 रुपए किलो देंगे उनको। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑल पे कर दे ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। अरे हम क्या लाइव और वीडियो भाई दिखाने की कोशिश करेंगे आपको बढ़िया से, है ना। आप बने रहे लाइव में और बता दें भाई साहब, काफी बढ़िया शानदार क्वालिटी के बकरे बकरे इस फार्म में मौजूद है। फार्म के ऑनर हमारे साथ है, सब कुछ दिखाएंगे, क्या रेट है, कैसी क्वालिटी है। सबसे पहले रिक्वेस्ट आपके भाई की वही है, अपना बेशकीमती लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बता दें कहाँ कहाँ से भाई लोग जुड़े हैं, ताकि हमें पता चल जाए फार्मिंग बाबा चैनल को कहाँ कहाँ से प्यार दिया जाता है। नाम जरूर लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में, है ना। तो फार्म के ऑनर से मिलवाते हैं, क्या हालचाल है सर? ठीक ठाक हो? बस सर नमस्ते, बहुत बढ़िया हालचाल है, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, नमस्ते। हमारे भाइयों को परिचय देते, नाम क्या है अपने फार्म का? मेरा नाम दीपक है, डीसे गोट फार्म नाम है मेरे फार्म का, और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ सर। जी अजमेर राजस्थान से डीके गोट फार्म, और साथ ही हमारे साथ भाई, क्या हालचाल है सर आपका? मेरे बहुत बढ़िया हालचाल है भैया जी। जी सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ, सलाम वालेकुम बोलता हूँ भाईजान, क्या आओ माल दिखाते हैं आपको जी भाई। इसके अंदर लाखों की कमाई हो जी भाई, ये माल कटिंग वाला है, इसके अंदर डेली का आप काट सकते हो, लेके जा सकते हो भैया जी भाई। अच्छा तो मतलब के आप कमाई वाला पूरा बढ़िया माल दिखाने वाले हो जिसमें हमारे भाइयों को कमाई होगी? बिल्कुल, लाख रुपए की कमाई होगी भैया जी। सही बोल रहे हो, बिल्कुल भैया जी, आप देख सकते हो माल। हाँ। आप यहाँ से लेके जा सकते हो, डेली की कमाई कर सकते हो, डेली ले जाके कटिंग का माल दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा रोज की कमाई वाला माल की कमाई? अच्छा जी, चलो सीखेंगे समझेंगे भाई से कैसे कमाई होगी। पहले दिखाते हैं आपको क्वालिटी भाई साहब, बकरा बकरी देखिए, ये देखिए भाई जी, आपको दिखाता हूँ, देखो ये भैया जी दिखाता हूँ, ये देखो 15 kg का बच्चा है जी भाई, इसके अंदर मटन निकलेगा 8 kg भैया जी। अच्छा जी, और ये देखो बिल्कुल कटिंग का है, ये देखो इसके अंदर निकलेगा आपको 18 kg, ये लो जी 10 kg मटन निकलेगा भैया जी इसके अंदर जी भाई, कटिंग वाला माल है। अपने पास देखो ऑर्डर आया हुआ है, 200 पीस का ऑर्डर है जी भाई, जिसके अंदर अपने पास फार्म पे 180 पीस है, शाम तक 200 पीस की गाड़ी लोड हो जाएगी। ये देखिए जी भाई साहब, तगड़े तगड़े भाई साहब, बढ़िया क्वालिटी, शानदार क्वालिटी, दिखाते जाएं 5-7 बकरे दिखाएं, बढ़िया बढ़िया हमारे भाइयों को समझ आ जाए। ये देखिए जी, ये देखो भैया जी, जी भाई बिल्कुल डबल हड्डी के अंदर है भैया जी। अच्छा ये डबल हड्डी के अंदर है, डबल हड्डी का क्या फर्क रहता है? ये डबल हड्डी के अंदर मीट ज्यादा रहता है इसके अंदर। अच्छा ज्यादा रहेगा मीट इसमें भैया, ठीक है, मटन ज्यादा निकलता है, जैसे 60% मटन निकलता है इसके अंदर। अच्छा जी तो दिखाता हूँ आपको, अगर पालने का भी बकरा दिखाता हूँ तो पालने के ले सकते हो, देखो मैं आपको एक सोजत की पर्ची दिखा सकता हूँ, इधर आओ। ये देखिए जी पूरा भाई साहब बाड़ा भरा पड़ा है भाई का, ये देखिए, ये लो जी सोजत की पट, ये एक सोजत की पट है, ये भी कटिंग में दे रहे हैं हम। अच्छा। ये देखो इसके गुलाबी कान है, ये भी हम कटिंग के अंदर दे रहे हैं, पिंक स्किन देखिए कटिंग के अंदर दे रहे हैं भाई साहब। कटिंग का माल और फार्मिंग के माल में दोनों में फर्क है? बहुत फर्क रहता है भैया जी, फार्मिंग का माल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे उधर देखो फार्मिंग के बच्चे देखो हो रहे जी भाई, वो भी दिखाएंगे आपको, ये देख रहे हो भाई पूरा बाड़ा फुल है। ये फार्मिंग का बकरा है जैसे। अच्छा ये फार्मिंग का है? हाँ जी, ये अगले साल कुर्बानी के लिए तैयार करने के लिए बकरा है, जैसे ये रहा और ये देखो जी, ये फार्मिंग के लिए तैयार करने के लिए बकरा अगले साल के अंदर। अच्छा अगले साल में अगर कोई भाई ऐसे बकरे तैयार करेगा हाँ जी, तो कितने किलो पे कितना मुनाफा हो सकता है भैया जी? वो तो खिलाई पिलाई के ऊपर होता है। हाँ। इसके खिलाई पिलाई के अंदर के जैसे बकरा 100 किलो का ही पहुंच जाता है। अच्छा 80 किलो का ही पहुंच सकता है, खिलाई पिलाई पे देता है बकरे का, डिफेंड जो होता है सब खिलाई पिलाई पे जी भाई, जैसा मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा। बिल्कुल भैया, मगर ये हाथ पैर के खुले होते हैं बकरे? बिल्कुल, क्यों नहीं देते जी भाई, ओरिजिनल सिरोही बकरे देते हैं। और ये देखिए ढीले बदन में है, दिखाना जरा खाल खींच के, ये देखो ये देखिए ढीले बदन में, तो इसका क्या रहता है, जितना मतलब कि अपन खिलाई पिलाई करेंगे उतना वजन गेन करेगा, जितना वजन जाएगा इसका। और अपना तो अधिकतर क्या कटिंग का काम रहता है भैया जी, अपन कटिंग का काम करते हैं, अपना माल तमिलनाडु साउथ के अंदर, तमिलनाडु कर्नाटका केरला सब जगह अपन देते हैं, मगर मिनिमम पीस देखो 50 पीस से कम ऑर्डर नहीं लेते हैं। अच्छा जी 50 पीस से कम ऑर्डर नहीं लेते भैया, देखो उनका ट्रांसपोर्टेशन पहुँचाता नहीं है, 50 पीस के ऊपर हमारे यहाँ पे खर्चा, जैसे कोई पार्टी रहता है जैसे कर्नाटक का पार्टी रहता है तो हम उसके यहाँ पे सेविंग की गाड़ी भी करवा देते हैं जी भाई, और पेमेंट का कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट का इशू भी नहीं है कोई भी, ठीक है। अगर आप चाहते हो भाई पार्टी यहाँ पे आई हुई है, माल लेके जाती है 40-50 हज़ार रुपए लाख रुपए को हो भी सकते, तो आप वहाँ पे जाके दे सकते हो, ये लो पेमेंट जी का कोई इशू भी नहीं है भैया जी। और चेक करें भाई साहब क्वालिटी, दिखाते जाएंगे आपको कितना माल अवेलेबल है सर अभी अपने पास? अभी 180 पीस है भैया जी, ये 180 पीस, 200 पीस का लोड है अभी, पार्टी अपनी तमिलनाडु की है, सेलम की है पार्टी। अच्छा उनका ऑर्डर है,
और उनको शाम को गाड़ी लोड कराएंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा हमारे भाइयों को ये समझाएं, आप बोल रहे थे लाखों का मुनाफा होगा इसमें, रोज की कमाई होगी, कैसे कर सकता है आदमी? भैया यहाँ से लेके जा सकता है, अभी वो 200 पीस लेके जाएगा जी। अगर 200 पीस में ट्रांसपोर्ट से निकाल के अगर एक बकरे पे उसको 1000 रुपए भी पर पीस का मिल गया जी भाई, उसको आराम से 2 लाख रुपए मिल गया। यानी कि यहाँ से ले जाएगा 3 दिन में, अगर उसको 2 लाख रुपए मिल गया तो 2 लाख रुपए कोई खराब थोड़ी है। अच्छा, और अगर जैसे कहा पे मद्दी हो, जैसे कटिंग भी कराओ, तो उसको आराम से 1.5 लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा भैया जी। अच्छा जी, हाँ जी, हमारे यहाँ पे जो रेट है देखो भैया जी, 250 रुपए के जी रेट है, ईमानदारी की रेट, वो भी 250 रुपए। अच्छा, तो भाई साहब आप जो ये बकरे बेच रहे हो इनका की मोहब्बत रखेगा तो मैं 10-20 रुपए केजी वैसे ही कम कर दूंगा जी। और पैसे की टेंशन नहीं लिया, अपनी खुद की बोलो तो पिकअप है, नेशनल परमिट गाड़ी है, इसके अंदर आप 80 पीस लेके जा सकते हो। अगर आप चाह सकते हो भैया, मेरे पास अभी 60% पेमेंट ही है, 40% पेमेंट आप मैं पहुँचने के बाद दूंगा। हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 40% पेमेंट वहाँ पहुँचने के बाद भी दे सकते हो। लो जी, देखिए भाई बता रहे हैं, वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको डिस्काउंट भाई दे देंगे, है ना, कटिंग के माल भी है, डिस्काउंट दे देंगे इसके अंदर जी। भाई उषा कुमारी जी, ब्रीडर मिल जाएंगे जी, ब्रीडर भी मिल जाएंगे। अच्छा, कटिंग के अलावा और भी सब मिलेगा, अपना ऑलराउंडर काम है। अगर आप बोलोगे फार्मिंग का माल, बकरी, बड़ी बकरी चाहिए अपने को, तो बड़ी बकरी भी मिल जाएगी भैया जी। जी, और ब्रीडिंग के लिए, मतलब ब्रीडिंग के लिए मिल जाएंगे। ब्रीडिंग के बाद अपने 10 बकरे खड़े हैं अपने एक और फार्म में, ये फार्म तो अपना ख्वाजा साहब की दरगाह से मात्र 2 किलोमीटर का फार्म है ये। ठीक है, अपना पास ये प्रॉपर अजमेर है, आप देख ही सकते हो ये जी भाई। अजमेर के अंदर अपना फार्म है, मात्र 2 किलोमीटर पे रेलवे स्टेशन से, मात्र 2 किलोमीटर पे अपना फार्म है। अच्छा, ये फार्म अपना जनाना हॉस्पिटल है, अभी वहाँ पे फार्मिंग का माल खड़ा है अपने पास जी। ये अपने कटिंग का माल है, कटिंग का ऑर्डर आ रहा है वो भैया जी अपने तमिलनाडु के, वो थोड़ा कोई कर रहे, थोड़ा पेमेंट कर रहे, उनका वेटेड हो गया माल का, तो उनका थोड़ा क्या पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, बाकी जो फार्मिंग का माल है अपने, उस वाले फार्म भी है, कटिंग का माल हम यहाँ रखते हैं अपने पास। 2 फार्म है भैया जी, कटिंग का माल हम यहाँ रखते हैं, फार्मिंग का माल वहाँ पे अपने, बड़ी फीमेल भी है, बड़ी फीमेल भी उस वाले फार्म पे है जी भाई। आशिक इलाही जी, गुड ब्रो, थैंक यू जी, धन्यवाद, कमेंट करते रहे। अनूप जी, तोतापुरी बकरी मिल जाएगी क्या? तोतापुरी मिल जाएगी भाई, बिल्कुल तोतापुरी बकरी मिल जाएगी, 330 रुपए केजी मिलेगी, बढ़िया बकरी। अरे वाह, छोटी पठिया चाहिए पठिया मिल जाएगी, बड़ा बकरा चाहिए बड़ा बकरा मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी मिल जाएंगे। और भाई कमेंट कर रहे हैं हमारे सीसी भाई, भाई 1-2 बकरे मिल जाएंगे, वो यहाँ आके मिल पाएंगे। हाँ, एक दो का नहीं होता भैया जी, उनको ऐसा समझाओ, 1-2 नहीं देते, हमारा होलसेल का काम है, कम से कम 50 पीस का ऑर्डर चाहिए। 50 पीस न हो तो कम से कम 30 पीस का ऑर्डर दो, आपके पहुँचाने की घर की जवाबदारी हमारी है। 30 पीस का ऑर्डर जो कटिंग का ऑर्डर देता है, 30 पीस से कम नहीं देता भैया जी। थोड़ा ट्रांसपोर्ट का भी समझा दे, क्या रेट वेट चलता है ट्रांसपोर्ट? देखो यहाँ से कर्नाटक हमारी गाड़ी जाती है, देखो चेन्नई, तो चेन्नई का आता है मात्र 500 या 400 रुपए पर पीस पे खर्चा आता है जी भाई, 400 रुपए पर पीस पे खर्चा आता है। और अगर जैसे वो बेंगलोर की उधर जाते हैं, तो बेंगलोर का आता है 350 रुपए पर पीस का खर्चा जी, एक नंग का 350 रुपए से लेके 400 रुपए, तो बहुत कम आता है, तो कभी भाड़ा महंगा हो जाता है तो गवाल कम हो जाता है, उस चक्कर में 450 रुपए पर पीस का खर्चा आ जाता है। ठीक है, और जो भाई हमारे दूसरे राज्यों से यहाँ आएंगे, उनके लिए कैसे प्रबंध अपने पास? सब चीज की व्यवस्था है, ये देखो अपना खुद का मकान है, पार्टी को हम तो वहाँ रुकवा देंगे, ये अपना खुद का ही मकान है, सामने रुकवा देंगे। सामने जो मकान देख रहे हो ना जी, ये वाला, ये अपनी मामी है, वो हमारी मामी, देखो घास वास काट रही है हमारी मामी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो खेतों में है, जो खेतों में अपनी मामी है, बिल्कुल वो मामी जी है। और देखिए ये पूरा भाई साहब बकरे और ये मानसिंह होटल है, इसके पास में वो भी होटल है, मात्र जब ये होटल के अंदर पास में ही अपने, यानी कि सिटी में काम है सारा जी, कोई भी रुक सकता है होटल में, चलो होटल में रुक सकता, अपने घर पे चलो तो घर पे व्यवस्था है रुकने की, कोई दिक्कत नहीं है जी रुकने उकने की। ठीक है, पार्टी को कोई भी कोई शिकायत नहीं आएगी कि भैया हमको आपने रोकने की कोई दिक्कत करी जी भाई जी। और दोस्तों बाकी की जानकारी तो आप भाई से सीधा हासिल कर ले, मैं कमेंट भी पढ़ लेता हूँ भाइयों के। और दोस्तों चैनल का काम सिर्फ आपको जानकारी देना, आप खुद की जिम्मेदारी पे विजिट करके खरीदी का फैसला लें, और कोई भी एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं। मैं कमेंट